किसी की याद आंडा पिया तो इसलिए इतने बैठे ने उम्र ये छोटी है काम तेरे वे वे ने अज तस्दीक हो गया मैं कहता कि तस्दीक कर लाँगा कि जिंदगी के किसी मोड़ से लेकिन बुजुर्ग भी कहते हैं कि बुरे बंदे नूं कोई सजा भी नहीं दिंदा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुहाडा अपना मेज़बान तनवीर खान कावज तुहाडी खिदमत च हाज़र है। तुसीं देख रहे हो यूट्यूब चैनल अपना मुंडीखेल। अज असीं जी बार्डर का आखिरी पिंड है साडा दरिया दुआबा। इत्थे साडे बुजुर्गों का दरबार शरीफ है हज़रत बाबा जलाल शाह सरकार का दरबार है और माशाल्लाह तुसीं साडे बैक साइड से देख सकते हो गहमा गहमी आ बहुत दूरों दूरों दुनिया जिहड़े लोग आए हुए ने और अपने दरबार शरीफ से लंगर भी शुरू है इस टाइम और दुकाना वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगियां ने तो अपने चल लिया किसी भाई नाल किसी बुजुर्ग नाल किसी दोस्त नाल अगर कोई गलबात हो सकती है तो भी तुहाडे शेयर करने हैं। बाकी तुहानू दरबार का और दरबार के लागे जिहड़ा कोई मेला लगा था सारा तुहानू मेले का विजिट करवाने हैं। अच्छा जी नाज़रीन माशाल्लाह साढ़े भाई तुसीं देखिया अपने बन तो नीचे आ रहे थे दरबार शरीफ से भी आए ने इन्हां नू पुछने हैं कि मेले तो कितों दे आंदे ने और किहड़ी जगह तो आए ने। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की नाम है सुने अपना? दानिश। दानिश किहड़ा पिंड अपना? अलियासपुर। अलियासपुर अपने एड़ा दरिए दुआबे तुसीं मेले ते आए हो पहली दफा आए हो पहले भी आंदे हो? पहले भी आने हर साल आए। किन्ने एक साल हो गया मेले नूं अपने लगदे आ? मेले नूं तकरीबन काफी साल हो गए। काफी अरसा हो गया। हां जी तुहाडी होश तो पहले दा लगदा है? हां जी वो कहंदे ने जी मेरी उम्र नहीं है नहीं मेरी होश तो पहले दा लगदा। कैसा मेला तुहानूं लगदा है? मेला खूब इंजॉय करने काफ़ी रौनक होंगी है। हाँ असी तो पहली दफा ही आए हैं साढ़े नाजरीन कहते हो कि तनवीर खान जो भी कहता मैं पहली दफा हाँ बई वाकई मैं हर पिंड पहली दफा ही जा रहा और इतने भी जिंदगी पहली दफा ही आए हैं और माशाल्लाह बड़ी गहमा गहमी है तुम देख रहे हो और तुम विजिट कराने दूसरे दोस्तों भी गपशप लाने बहुत अच्छा लगा जी धन मिल के अल्लाह तला खुश रखे। बन के उपर आए हैं तो साढ़े चंद दोस्त उपर भी खड़े से मैं इन्होंने भी गलबात करिए इन्हों पुछिए कि जगह तो आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की हाल है भाई जी? अल्लाह का शुक्र है। की नाम है सर अपना? मेरा नाम उस्मान अली। उस्मान अली किहड़ा पिंड अपना? मेरा पिंड नहीं मोहल्ला दीनपुर कलां शक्करगढ़ के नाल मोहल्ला। अच्छा जी उतों आते हो तुम अपने मेला देख? हाँ जी उतों आते। कितों का मेला जो लग रहा है पहले भी एक भाई ने पूछा कहता कि मैं छोटा मैं नहीं पता किन्ने अरसे तो मेला लग रहा है? सर ये मेला तो 1947 तो भी पहले इतने लग रहा है। अच्छा जी। लेकिन जो ज्यादा अक्सरीयत मकदार के लग रहा ना ज्यादा लोग देखने जा रहे हैं जी जी वो तकरीबन हो गया इन्हों कोई 30-35 साल हो गए ना। पहले शायद नाजर इस तरह होंगे रहा कि छोटा जिन्ना पिंडा जिसने भंडारा नहीं करना जी जी चंद लोग इकट्ठे होने उस बाद लंगर तकसीम करना अपने अपने घर चल जाना हूँ माशाल्लाह इतने रौनक है लागे दो तीन पिंड भी है ना शक्करगढ़ तक दरबार की मशहूरी है तो सरकारां दा एक नाँ है तो वो लोग आते हैं मेला देख नाल इतने तो सामने बॉर्डर नज़र आ रहा है जी जी बॉर्डर के उरली साइड से तुहाडे ना दरिया रावी है जी जी ठीक है तो लोग अक्सरीयत यह करते हैं कि देखने वास्ते आते हैं कि बॉर्डर देखिए शौक दे नाल नाले थोड़ी इंजॉयमेंट हो जाती है फ्रैशमेंट हो जाती है मेले का तो एक सरकार सलाम करन दा एक ना सलाम करन तो बाद मेला फ्रैशमेंट वास्ते रखे जी जी सही। हाँ जी बहुत अच्छी भाई ने गल की। अच्छा भाई तुम तो शक्करगढ़ तो आए हो वैसे ये अपने किन्नी तुहानू पता कि किन्नी दूरों दूरों होर भी लोग आते हैं अपने सर इतने कराची तक आवाम आती है सरकार के जेडे ना मनने वाले जी जी और कराची तक यानी कि कह सकते हो कि पूरे पाकिस्तान के बीच इतने मौजूद ने जी जी कुछ सरकार के मरीज ने कुछ सरकार की आले औलाद है जी जी वो कराची तक कोयटे तक सारे सब लोग इतने इकट्ठे होंगे ने सर एक दिन पहला कल का जो दिन गुजरिया ना उत्थे हुंदी है गुसल कराने गुसल के महफले नात हुंदी है जी जी ते आज दा दिन मेला है मेले उत्ते की हुंदा कि महफले समा होनी है रात नूं अच्छा जी इशा तो बाद महफले समा हुंदी है हुण तुसीं देखोगे कि रौनक अद्धी है लेकिन महफले समा जदों होनी है जी जी शक्करगढ़ दी लागे लागे पिंडां दी आवाम सारी इत्थे जमा हो जाणी है शक्करगढ़ नारवल नैणेकोट अखलासपुर सारी तहसील दी आवाम इत्थे जमा हो जाणी है फिर तुहानूं पता चलेगा कि इत्थे किन्नी रौनक है। सही हो गया जी जबरदस्त हो गया। नाज़रीन साडे बैक साइड ते दरिया रावी देखते पे हो और चंद कदम के फासले ते जिहड़ा ना साडा इंडियन बार्डर है उस तो अगे जिहड़े दरख्त नज़र आ रहे ना वो इंडिया दे विच ने यानी कि कह सकते हो कि अगर दरिया का एक कदम असी पार लंघीए तो इंडिया शुरू हो जाता। सही गल सही बहुत जबरदस्त लै ज्यादा देखो ना बच्चे आए हैं ज़ईफ़ुल उम्र बंदे आए हैं सारे इंजॉयमेंट वास्ते भी आए हैं सरकार सलाम करके फ्रैशमेंट कर देना कोई देखो सैरो तफरी का भी मैं है आके लोग सैरो तफरी भी कर देने बिल्कुल देखते हैं कि अपने बॉर्डर देखते हैं आके फिर बुजुर्गों सलाम कर देने हूँ तुम्हें पता कि साड़ी हुकूमत की कर रही है पार्क तो साडे विच है ही नहीं खत्म हो गए दिन लोग एहो जिहियां जगह देखते हैं कि जिथे सैरो तफरी और दरख्त हो ठीक है लागे दरिया हो एक तफरी का मुकाम बन जाता जी 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 सही गल है जी बहुत अच्छा लगा जी भाई दा मिल गया अल्लाह ताला खुश रखे आबाद रखे। मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। की हाल है ठीक ठाक जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। की नाम अपना सर?
मेरा नाम जी मोहम्मद शबीर बहिश्ती। अच्छा सर केड़ी जगह तो आए हो तुसी? असी मलकबाग शरीफ तो आए हैं। मलकबाग शरीफ तो जी। अच्छा मलकबाग जेड़ा अपने बस्तान लग गया जी जी। अच्छा अपने कितों दे आ रहे हो तुसी इत्थे मेले ते? असी तकरीबन इत्थे मैं कम से कम 18-19 साल तो आ रहे हैं जगह ते। 18-19 साल तो आ रहे हो और हर साल ही आईदा इत्थे अल्लाह दे फजल। अच्छा काफी रौनक है, असी भी देखी है कि बड़ी रौनक लगी दी है। और ये 18-19 साल तो पहले दा मेला लग रहा है? माशाल्लाह जी अहीं जदों दा देखे असे तरह रौनक लगी देखी इत्थे। हां जी सही है। कैसा है किड़ी-किड़ी दूरों दुनिया आंदी है इस मेले ते? देखो जी ये दे अपने मोहब्बत की बात है ना जी जी। जिस तरह मंगे मनन वाले ने सरकारा ने कोई लाहौर तो आ रहा जी, कोई ओकाड़े तो आ रहा जी जी, कोई मंगे सिंध चो आ रहा, कोई पेशावर तो आ रहा। जिस तरह मंगे सरकारा ने मनन वाले ने जिथे जिथे मिलने वाले है ने चाहत मोहब्बत नाल मंगे सरकारा दे कोल आंदे ने। सही है। और ऐसे तरह मंगे रौनक मंगे देख के मंगे बाला बाल हुंदी है रौनक माशाल्लाह। जिस तरह देखे ने दोस्त मंगे मिलते ज्यादा एक दूसरे नु, चाहत मोहब्बत भी इसे तरह वधदी है। सानू भी इन्हां सरकारां ने बुलाया जी जी, असीं भी हाजरी देने वास्ते इन्हां दे कोल आए हैं। सही। काफ़ी देख रहे हैं असी कि बड़ी पब्लिक आई दी है इतने, बड़े लोग ने इतने भाई ने उन्होंने गलबात की। उन्होंने कहा जी कुछ तो बार्डर एरिया जी जी, कुछ अपने लोग आते हैं बजुर्गों को सलाम करने और सलाम करने के नाल ही सलाम के बहाने नाल अपने विजिट भी करके जाते हैं बार्डर एरिया जी जी, नाल ही साढ़े बन तो अगली साइड तो इंडिया है तो लोग सारे विजिट करके जाते हैं। बहुत अच्छा लगा सानू भी और गलबात करके बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन माशाल्लाह सानू बुजुर्ग मिले ने, इन्होंने गलबात करने पूछने बुजुर्गों के बारे भी पूछने। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। अच्छा बाबा जी असीं तुहानू देखिया, मैं अपने नाज़रीन नाल तुहाडी गुफ्तगू जिहड़ी है शेयर करिए। हज़रत बाबा जलाल शाह जिहड़े अपने ने इन्हां दे बारे कुछ साडे नाज़रीन नू दस सकदे हो? कुछ अगाही अपने करो इन्हां ते नज़रसानी कोई। साडे बुजुर्ग दसदे ने कि बहुत अच्छे दरवेश होए ने जी जी, बहुत सारियां बच्चियां पढ़ाईयां, बच्चे पढ़ाए जी जी। अज वेखो इत्थे रौनकां लगियां जी जी, अल्लाह दा वली दा घर है, लोक आए ने। सही। अपनी अपनी तकदीर फकीर जेड़ा वो तकदीर बदल देंगे जी। सही है। इंशाअल्लाह ताला जेड़ा भी कोई जो भी नीयत लेके आया वो अल्लाह ताला पूरी करेगा। बुजुर्गो ये बाबा जी के बारे दस सकते हो कि ये केड़ी जगह तो इस जगह से आए? ये मेरा ख्याल आंदा कि साढ़े पिंड ना इन्हां दी बच्ची व्याही सी, मैं सौकण मिलदा हां। सौकण पिंड दे तुसी? बुजुर्ग साढ़े सौकण पिंड दे ने जी। अच्छा जी, उत्थों आए हो तुसी? ते इन्हां दे दो त्रै इत्थे आउंदे ने, असीं उन्हां दे नाल आउंदे हां। बहुत अच्छे दरवेश ने, इंशाअल्लाह ताला जेड़ा कोई आंदा इत्थे कोई मुराद लैके जांदा, तो जेड़ा कोई तमाशा वेखण आंदा उन्हां फिर तमाशे ही उन्हां दे तमाशे ही लगणे। सही है। असीं निशाही कादरी मिलांगे। अच्छा पाक सरकार। बुजुर्गो एक तुहानूं वैसे ही गल पुछणी सी कि सौकण वेण तो याद आ गया मैनूं कि सौकण वेण दे पिछले दिन शेख बरादरी दे मुंडे दो फड़े गए सी जी, खल्ला लांदे खल्ला लांदे, ओह वाकई सौकण वेण दे ही? सौकण वेण दे कई बार फड़े गए ने जी जी। वो तो चाहिए ना कोई कानून होए, असीं देखने जो उन्होंने तस्वीर वेखियां जी जी, फटाफट पुलिस ने फड़े ने जी जी, फौरन छड़ दिते ने। आज छड़ भी दिते ने? कई बार फड़े ने तो कई बार छड़े ने। अच्छा जी, अपने नाज़रीन नूं दस्सणा कि पहले असीं वीडियो अपलोड की सी, तुसीं देखी होएगी कि जानवरां नाल ज़ियाती की सी एक बंदे ने, वह बजुर्गों के पिंड के बंदे सी, ते अज तस्दीक हो गया मैनूं। मैं कहिंदा सी कि तस्दीक कर लाँगा कि जिंदगी दे किसी मोड़ ते, लेकिन बुजुर्ग भी कहंदे ने कि बुरे बंदे नूं कोई सज़ा भी नहीं दिंदा, वह कहंदे ने फड़े सी ते छड्ड भी दित्ते पुलिस ने। अपने भाई कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया दे के छड्ड दिते। बड़े अफसोस वाली गल है कि जानवरों नाल ज़्यादती करन दे बावजूद भी, और इन्ने जानवरों नाल ज़्यादती की, इन्ने जानवरों नूं मार के उन्हां दी खल उतार के लै गए, बेज़बानां नाल ज़ुल्म किया। बाकी अल्लाह ताला जी ते वेखदा पिया, अल्लाह ताला ताला ते साफ कर लैणगे। फकीर ओह हुंदा जी जी, पीरां दे पीर दस्तगीर जी, हजरत महीनुद्दीन चिश्ती जी जी, या गौसे आजम जी जी, शेख अब्दुल कादर जलानी महबूबे शबानी ने कहा है कि फकीर वो होंगे जिदा बोझा खाली ना हो जी जी, जिदा बोझा खाली हो ना जी जी, वो ना फकीर होंगे जी जी, ते ना वो चौधरी होंगे जी जी। अगर चौधरी भी ओदा बोझा टैट होए ना जी जी, तो अच्छे फैसले करदा जी जी, वो भी फकीर होंगे, वो भी अल्लाह का वली होंगे। सही गल। जिदे बोझे विच बोझा खाली होए ना जी जी, फकीर नहीं होंगे ना, मैं नहीं उन्हें मानता। सही है। मैं निशाही कादरी मलांगा ना, मैं किसे दा डार है जी। फकीर हूं जी दा बोझा खाली ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। की हाल है भाजी? ठीक ठाक जी। तुसी सुनाओ, केड़ा पिंड अपना सर? फतेहपुर जी। फतेहपुर अफगाना? हां जी फतेहपुर अफगाना तो आए ने भाई जी अपने, माशाल्लाह
अच्छा भाई जी ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖੂਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਝੂਲੇ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ 80 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਾਹੌਲ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇ ਬੰਨ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਔਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਫਿਰ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਤੇ ਚੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸੀ ਇਹ ਬੰਨ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਮਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਸਵਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਮਸਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਆਮਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਜੋਨ ਹੀਰਾ ਜੋਨ ਹੀਰਾ ਚੁਨ ਹੀਰਾ ਚੁਨ ਪਿੰਡ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵਰ ਭਾਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਚੁਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੋ ਖੈਰ ਤੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਡੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਬਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਪਿਆਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਲਾ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਮੇਲਾ ਸਹੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਬੋਲ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਾ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਬੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਹੂਟਾ ਵੀ ਕੋ ਲਿਆ ਕੋਈ ਝੂਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਲਿਆ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜ਼ਰਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੰਪ ਤੇ ਲਿਆ ਹੁਣ ਬਸ ਜੰਪ ਤੇ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਲਿਆ ਜੰਪ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁੰਮਸੋਮੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਦ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜ਼ਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆ ਭਾਈ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਬ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਬ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਬ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹੀਰ ਜੱਟਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਲੰਗਰ ਆ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰ ਲੰਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਛੰਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੰਗਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦੀ ਚਲੋ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਦ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹੀਰ ਜੱਟਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੇਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਕੀਰਤਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ 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 ਬਹੁਤ ਗਿਆਮਾ ਗਿਆਮੀ ਆ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਫਲੇ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲੂਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਵਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਧਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅੱਛਾ ਐੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਢੋਲ ਵਗੈਰਾ ਵੱਜਦਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ ਬਾਕੀ
अच्छा जी नाज़रीन तुसीं माशाल्लाह साडे दोस्तां दा लोगां दा इंटरव्यू सुनिया उन्हां दी गलबात सुनी है माशाल्लाह असीं दरबार दे हाथे च अंदर आ गए हां तुसीं देख रहे हो साडी बैक साइड ते कि जिन्ने भी अपने लोग आए दे ने दूसरे अपने इलाकियां चों आए दे ने उह लंगर शरीफ जिहड़ा ना करदे पए ने और बहुत ही जबरदस्त है और उम्मीद करने हैं कि अज दा जिहड़ा दरिए दुआबे दा मेला तुहानूं भी बहुत अच्छा लगा होएगा और तुहानूं दरबार शरीफ दा अंदरों भी थोड़ा जिहा विजिट करवाने हां और बहुत सारी दुनिया आई दी आ बहुत अच्छा मेला हो रहा जिस तरह के पहले असी भी तुहानूं दस्सिया कि असीं भी पहली दफा आए हाँ बहुत मज़ा आया जी और बाकी असीं दुआ करने कि अल्लाह ताला तुहानूं अपने रुज़मान च रखे अल्लाह ताला तुहानूं नेक मकसद च कामयाब करे और जिहड़े नए दोस्त साडे चैनल ते आंदे ने साडे चैनल नूं सबसक्राइब करया करो यार वीडियो नूं लाइक शेयर लाजमी करया करो और दरबार शरीफ ते अपने बाबा जी जलाल शाह दे दरबार ते अपने तनवीर खान कावश नूं दिओ इजाज़त अल्लाह हाफिज़।